नगर निगम भिलाई अंतर्गत हुए चुनाव परिणाम के बाद वह समय भी आया जब नवनिर्वाचित पार्षदों ने शपथ ली। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने सभी निर्वाचित 70 पार्षदों को शपथ दिलाई। यहां दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के दिग्गजों की मौजूदगी रही। भिलाई नगर निगम में शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को आयोजित किया गया। चुनाव में नव निर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। निर्वाचित सभी 70 पार्षदों को निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने निर्वाचित 70 पार्षदों को साथ साथ की संख्या में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के लिए सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया था। फिर समय आया महापौर व सभापति के चयन का। तो यहाँ हम आपको बता दें, महापौर पद के लिए आधा दर्जन से ज्यादा नाम सामने आए, तो उनमें एक नाम सबसे ऊपर था, नीरज पाल का। और गुरुवार को हुए शपथ ग्रहण व महापौर चयन के पश्चात मुहर लगी तो नीरज पाल के नाम पर। वही सभापति पद के लिए नामों में किसी का उछाल तो दिखाई नहीं दिया, पर एक नए नवेले पार्षद गिरिवर बंटी साहू का नाम अचानक ही सामने आया और फाइनली उस पर मुहर लग गई। महापौर के लिए कई नामों में सुभद्रा सिंह का भी नाम सामने आया था। उनके विरोध के बाद पुनः ऐलान महापौर और सभापति का कर दिया गया। वह नव निर्वाचित महापौर नीरज पाल दल बल के साथ सामने आए। फूल मालाओं और गाजे बाजे के साथ महापौर का जोशीला स्वागत किया गया। बरहा दुर्ग जिले में 4 निकायों में संपन्न हुए चुनाव के बाद 3 नगर निगम में कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। रहा एक नगर पालिका परिषद जामुल का, तो कल इस पर से भी पर्दा उठ ही जाएगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।